भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री यान बिंदर पाल सिंह उर्फ सोड़ी मौजूदा हालत में प्रधान थाना सेरा मऊ उत्तरी पीलीभीत की तहसील में परनपुर की चौकी गड़बा खेड़ा के गांव कजरी निरंजनपुर के दबंग लोगों ने खड़ी गन्ना की फसल जोत दी है। चौकी पर तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल ओम प्रकाश से बात करने पर बताया कि हम मौके पर गए थे। लेखपाल ने दोनों पक्षों से ये कहा था कि तूदा लगा लो फिर नाप कर देंगे। इस बात पर विपक्ष तैयार नहीं हुआ। इसके बाद रात करीब 11 बजे 4 बीघा गन्ना की फसल जोत दी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। कहाँ रहते हैं? तो क्या मामला है पूरा? ये जो हमारे गांव में पास में हमारे खेत है, करमजीत सिंह ने गन्ना बो रखा था जो कि 2-3 खाद पड़ चुकी थी, काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया था। लोगों ने रात में दूसरी पार्टी की विवादित पार्टी ने उस पर जोर दिया रात में, जो कि जो गांव का प्रधान है वो एक तरफ का काम कर रहा है, जो कि उनको कहा था कि फैसला करवा दो लेकिन कोई फैसला नहीं करवाया। लेखपाल आया था, लेखपाल ने कहा था कि टूटेबंदी करवा लो, पूरे सेक्टर की नाप करवा लो, तो उसके बाद हम नापने आगे आदेश करवा लो। अच्छा, लेकिन उन लोगों ने रात में 10 बजे 11 बजे शराब पीकर लड़कों ने गन्ना जोत दिया। 3 बीघा गन्ना था पूरा का पूरा जोत के ऊपर से मेढे डाल दी रात में। अच्छा, तहरीर दी थाने में? क्या तहरीर हमने थाने में दे रखी है, एनडीओ के पास भी तहरीर दी हुई है। क्या बोले उसका? अभी कल एनडीओ के पास तो कल ही दी है तहरीर, क्योंकि थाने में हमने 3-4 दिन पहले से दी रखी है। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अभी तक? नहीं, पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। फोन नंबर हमने सुबह बुलाई थी वो देख के चली गई। उसके बाद